नवादा के रजौली थाना क्षेत्र के हरदिया पंचायत के भानीखाप अभ्रक खदान में चाल धस गई। हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं इस हादसे में चार मजदूर मलबे में फंस गए। बता दें कि दबे हुए लोगों की किसी तरह से खदान से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया है। बबलू मेरा नाम। एक मिनट, क्या नाम है आपका? बबलू। थाना रजौली जिला का। क्या घटना हुआ? घटना हुआ तो वहाँ का क्या हुआ? पढ़ाई गिर गया था, वही घटना हुआ। किसको? बच्चे की। बच्चे आप कौन है? बच्चे आपकी कौन लड़की है? मैं जगह लड़की है। आपकी जगह की लड़की? हाँ। क्या नाम है? उसका नाम चिंता नाम उसका। किनके मैं तो काम करते थे? अभी डेड बॉडी कहाँ है? तो क्या वो नहीं बता सकते? डेड बॉडी आप लोगों को नहीं मिला है? कहाँ है आपकी जानकारी? नहीं, नहीं। हादसा कहाँ हुआ? जगह जानते हैं जहाँ पे चाल धसा है, वो जगह जानते हैं आप? हाँ सर जानते हैं। चलिए बताइए। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान सुअर लेटी निवासी हीरा भुइया के 18 वर्षीय पुत्र चिंता कुमारी के रूप में हुई है। वहीं दबे हुए मजदूरों में एक मजदूर भानीखाप निवासी चरका भुइया शामिल है। बता दें इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खदान से अभ्रक निकाली जाती है और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पाती है। माफियाओं का अवैध अभ्रक का खनन धड़ल्ले से चल रहा है। ये भानीखाप सुरक्षित वन एरिया है ना, इसमें चोरी छिपे अभ्रक खनन के कार्य चोरी छिपे लोग करते हैं। इनके सुबह 6 बजे की घटना है। हालांकि हम लोग रात दिन मैंने ये करते रहते हैं, कार्रवाई करते रहते हैं कि किस तरह से इस तरह का अवैध कार्य रुके, लेकिन उसके बावजूद चोरी छिपे लोग आज की घटना के बारे में थोड़ा सा जानकारी तो हमको ही मिला कि एक बच्ची किस तरह से दब गई वहाँ पर, दब करके मर गई। उसके अलावा भी कुछ लोग घायल हुए हैं क्या? दो की सूचना तो मिल रहा है, हल्का फुल्का चोट आई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो राजकुमार पासन, हम फॉरेस्टर यहाँ के रजौली जी। तो सर किनके द्वारा चलाया जा रहा है कुछ? हाँ ऐसा तो कुछ नहीं, चोरी छिपे अपना अपना लोग करता है, कोई ठेकेदार इसमें नहीं है, मजदूर लोग हम लोग किसी तरह से चुन फान करके। जैसा अभी बच्ची जो एक्सपायर की उसके पेरेंट्स ने बताया जी कि लखन पंडित के द्वारा चलाया जा रहा है, इसे पता लगाते हैं, इसका कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पता लगा कार्रवाई करते हैं। दुख में अगर होगा कार्रवाई किया जाएगा। आपके संज्ञान में नहीं? मेरे संज्ञान में नहीं। खनन माफिया की पैठ इतनी मजबूत है कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। पुलिस के आने से पहले ही माफियाओं को इसकी भनक लग जाती है और सारा सामान लेकर माफिया जंगल में छिप जाते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई सालों से मायका खदान चल रहा है, पुलिस और फॉरेस्ट की मिली भगत से खदान चल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इस खदान में कई लोगों की जान चली गई है। ऐसी घटना होने पर माफिया मोटी रकम देकर मामला रफा दफा कर देते हैं। वहीं रजौली फॉरेस्टर राजकुमार ने बताया कि इस मामले में कई बार कार्रवाई हुई है, लेकिन चोरी छिपे अवैध खनन को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है, मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नवादा से संजीव कुमार की रिपोर्ट।